हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होने वाला है क्योंकि भैया टॉपिक का जो नाम है वो है बायसियन बिलीफ नेटवर्क। इसके बारे में आज जानेंगे। ये दो जो फेजेस है दोस्तों, मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस वीडियो की, ये दो फेजेस जो है ये आपके बायसियन बिलीफ नेटवर्क का कोर पार्ट है। एक तरीके से कहो कि पहला पार्ट क्या है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक तरीके से इवेंट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्टेड एरोज होंगे, मतलब एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाने के लिए एरोज होंगे, डायरेक्शन होगा, और ये ग्राफ असाइक्लिक होगा, मतलब देयर आर नो गोइंग टू बी, देयर आर नो साइकल्स इन दैट ग्राफ। ओके, साइक्लिक नेचर नहीं होगा इस ग्राफ का। तो दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग एज अ वन पार्ट। और बायसियन बिलीफ नेटवर्क का जो सेकंड पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, मतलब एक ऐसा टेबल जिसपे कुछ कंडीशंस लगा के जो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं वो हम लोग यहाँ पे इस टेबल में मेंशन करने वाले हैं। बेस्ड ऑन सम कंडीशन व्हाट आर गोइंग टू बी द रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटीज दैट आर गोइंग टू बी मेंशन्ड इन दिस टेबल। तो ये दो एक्चुअली हम लोग इस ये जो पार्ट्स हैं बायसियन बिलीफ नेटवर्क के आज समझेंगे इस वीडियो में विद एन एग्जांपल। अभी एग्जांपल को पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, बड़ा ही मजेदार एग्जांपल है, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इन दोनों को समझेंगे आखिर ये सब है क्या। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, एक बड़ा सा आलिशान घर है, उसमें एक आदमी रहता है, उसके साथ उसका कुत्ता भी रहता है और बिल्ली भी रहती है। अब होता क्या है, उस बंदे ने ऑब्जर्व क्या किया कि जिसके पास कुत्ता और बिल्ली, उसने ऑब्जर्व क्या किया कि जैसी बारिश आना शुरू हो जाता है, जैसी इट रेन्स, जैसी बारिश आती है, उसका कुत्ता भौंकने लगता है। लेकिन उसने एक और स्टेटमेंट ऐड किया, उसमें क्या स्टेटमेंट ऐड किया कि वो कुत्ता जो है वो फ्रीक्वेंटली भौंकता है, ऑलवेज नहीं, फ्रीक्वेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार बारिश आई तो वो भौंकेगा, ऐसा नहीं है, वो फ्रीक्वेंटली भौंकता है। मतलब अगर 10 बार बारिश आई तो सिर्फ 7 बार भौंकेगा, 6 बार भौंकेगा, लेकिन 10 में से 10 बार नहीं भौंकेगा। सो दिस इज व्हाट इज अनसर्टेनिटी। और उसके बाद उसने एक और मेंशन किया या फिर एक और चीज ऑब्जर्व की, जैसी बारिश आती है, जैसे कुत्ता भौंकना शुरू करता है, तो ये जो बिल्ली है ये क्या होती है, उसके जो घर की बिल्ली है ये डर जाती है, और डरने की वजह से किचन में जाके छुप जाती है। तो इवेंट्स क्या है, इट रेन्स, डॉग बार्क्स एंड कैट हाइट्स। तो ये तीन इवेंट्स का फ्लो है दोस्तों, और इन तीनों के तीनों इवेंट्स में अनसर्टिनिटी है। जैसे मैंने बताया, कुत्ता भौंक सकता है, नहीं भी भौंक सकता, सो इट इज फ्रीक्वेंट, नॉट ऑलवेज। उसी तरीके से बिल्ली जो है इट कैन हाइड ऑलवेज, नो इट कैन नॉट हाइड ऑलवेज, इट कैन हाइड फ्रीक्वेंटली। हाँ, जब जब कुत्ता भौंकता है तो कई कई बार वो छुप जाती है, बट नॉट ऑलवेज, दिस इवेंट इज नॉट ऑलवेज, बिकॉज ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है दोस्तों, और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें आइडियल केसेस नहीं होते। आइडियल केसेस सिर्फ हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं, कुछ 100% नहीं होता कि जैसे कि 10 बार अगर बारिश गिरी तो 10 बार कुत्ता भौंकेगा। दिस इज जस्ट अ वर्चुअल थिंकिंग यू कैन हैव, बट रियल लाइफ के जो एप्लीकेशंस होते हैं, रियल लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं, दे आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पूरा एग्जांपल डिफाइन किया, प्रोबेबिलिस्टिक। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक नेचर के, मैंने जो अभी एग्जांपल बताया, इट इज हैविंग अ प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, देयर इज सम अनसर्टेनिटी। ओके, तो इसी प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बायसियन बिलीफ नेटवर्क का यूज करते हैं। मतलब बायसियन बिलीफ नेटवर्क इज convenient for, this network is convenient for representing probabilistic nature or relation, probabilistic nature or relation between multiple events. कौन कौन से events? It rains, dog barks, kite, cat hides. तो ये क्या है, ये events है, okay? ये bark करेगा नहीं करेगा, ये event है. Rain, it will rain or not rain, that is a event. Cat will hide or not hide, this is a event. These are nothing but multiple events. और जब उन multiple events में मुझे एक probabilistic relation दिखानी है, so this is a convenient representation, or this is a convenient for representing this relationship. कौन सी, प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप। अभी एग्जांपल तो मैंने डिफाइन कर दिया, बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया कि बायसियन बिलीफ नेटवर्क आप कहां पे यूज करते हो। अभी आ जाते हैं सबसे पहले वाले पार्ट पे, दैट इज डैक के ऊपर आ जाते हैं, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो मैंने क्या बताया, These are nothing but the nodes, and these are the edges or directed edges. अब nodes क्या होता है, node के अंदर का content क्या होता है, किसे हम node बोलेंगे diagram में, it is nothing but a hypothesis or a random variable आप consider कर सकते हो। जैसे in this case मैंने बोला rain, दूसरे केस में बोला dog bark, तीसरे में बोला cat hide, मतलब एक तरीके का ये hypothesis है, and this hypothesis can have two, what I'm saying, this hypothesis can have two resultant, क्या क्या two resultant, या फिर two probabilities, there must be, जिस भी आप, you know, जिसे भी आप as a node consider करोगे, remember, there must be two probabilities of that, जैसे कि, इस केस में मैंने rain consider किया है, so, it may rain, or it may not rain, dog bark, it may bark, it may not bark,
कैट हाइड, इट मे हाइड और इट मे नॉट हाइड, तो कम से कम उसके दो तो भी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, दो तो भी यू नो ऐसे पॉसिबल इवेंट्स होने चाहिए जो कि आपके उस स्टेट से या फिर उस नोड से निकले। इस तरीके से आपको नोड लेना है। ओके, एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एरो, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो इज नथिंग बट दिस डायरेक्टेड एरो रिप्रेजेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? दिस डायरेक्टेड एरो रिप्रेजेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे, ये कैसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? ऐसे है, इसको रीड कैसे करोगे? डॉग विल बार्क इफ इट रेन्स। समझ में आया कि नहीं? डॉग विल बार्क इफ इट रेन्स। उसी तरीके से सेकंड वाला क्या है, कैट विल हाइड इफ द डॉग बार्क्स। समझ में आया कि नहीं? कैट क्या करेगी, हाइड करेगी इफ एंड ओनली इफ द डॉग बार्क्स। अभी इसी, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसको चलो एक टेबल में डाल देते हैं, और जब इसको हम लोग टेबल में डालते हैं तो हमारी जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ बायसिंग बिलीफ नेटवर्क, वो हमारा एक टेबल बन के तैयार होता है। तो इनको सिर्फ क्या करना है, टेबल के अंदर डालना है, मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को टेबल के अंदर डालना है। कैसे डालोगे? ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अभी, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, ये बहुत कोर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं यहाँ पे मिस आउट कर गया, कि अगर मैं कंसिडर करता हूं इस नोड को, अगर मैं इनटू कंसिडरेशन लेता हूं, तो इस नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऊपर वाला नोड है दैट इज रेन, इट इज कॉल्ड एज अ पेरेंट नोड। उसे क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड बोलते हैं। और जो नोड उसको फॉलो करता है, इट इज कॉल्ड एज अ चाइल्ड नोड, इट इज कॉल्ड एज अ चाइल्ड नोड। तो हम लोग हमेशा कंसिडर्ड नोड की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट नोड। हम लोगों को बाकी नोड से जो भी आपकी इसमें कंसिडर्ड होंगे, अभी तो बहुत ही छोटा डैग है, छोटा ग्राफ है, कई कई बार आपको बहुत बड़े ग्राफ देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो भी आपने नोड कंसिडर की है, यू हैव टू टेक आउट इट्स प्रोबेबिलिटी ओनली विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट एंड नॉट एनी अदर नोड। तो यहाँ पे इसका पेरेंट क्या है? रेन। तो मैंने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली? यू कैन टेक आउट द प्रोबेबिलिटी एज दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, बराबर। ये है हमारा कंसिडर्ड x, इसको मैं बोलता हूं x, ये मेरा कंसिडर्ड नोड है x, एंड दिस इज नथिंग बट माई पेरेंट। सो हाउ आई कैरिड आउट द प्रोबेबिलिटी? आई कैरिड आउट द प्रोबेबिलिटी इन दिस वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसिडर्ड नोड विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरेंट नोड, विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरेंट नोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर पार्ट है जो कि हम प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे बायसिंग बिलीफ में नेटवर्क में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का पार्ट समझ में आ गया, पैरेंट, कंसिडर्ड नोड, चाइल्ड नोड समझ में आ गया। अब जैसे कि मैंने कहा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो कि ये एरो रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टेड एरो। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। ओके, अभी फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस मैंने क्या किया है, सिर्फ ये दो जो नोड्स हैं इन्हीं को कंसिडर किया है, इन दो नोड्स को, इस इवेंट को मैंने बोल दिया आर, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय बी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सी हाउ इट्स गोइंग टू फॉर्म, ये मेरा बी है, ये मेरा निगेशन बी है। मतलब क्या, डॉग इज गोइंग टू बार्क, ये बी है ना, एंड डॉग इज नॉट गोइंग टू बार्क, तो निगेशन बी मतलब इट विल नॉट बार्क। आर मतलब क्या, इट विल रेन, इट विल नॉट रेन, ठीक है, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। अभी इसमें ये जो वैल्यूज है, ये क्या है, ये कहां से आई, ये तो मैंने कोई कंप्यूटेशन किया नहीं, तो यहां पे कोई ऐसा मेथड नहीं है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, दीज आर जस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दीज आर जस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब क्या, कि जैसे वो बंदा अभी फॉर एग्जांपल, अभी मुझे तो इतना पता है कि इट विल, जैसे कि रेन होगा तो बार करेगा, लेकिन अगर बाय चांस वो जो घर का ओनर है, अगर वो घर के बाहर चला गया और घर में कुत्ता और बिल्ली है, और जैसे ही वो घर के बाहर जाता है, कुछ किलोमीटर दूर जाता है, वो ऑब्जर्व करता है कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, तो वो क्या कंक्लूजन निकालेगा, वो क्या कंक्लूजन निकालेगा कि भाई अगर यहाँ पे रेन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो मैं ये ऐसा ताल्लुक लगा सकता हूँ, ऐसी प्रोबेबिलिटी लगा सकता हूँ कि यस इट्स गोइंग टू, जो आपका डॉग है वो बार्क करेगा, कुछ तो हम लोग ऐसी प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, बराबर। वो जो ओनर है जो कुछ किलोमीटर दूर है घर से, जब बारिश आएगी तो वो क्या सोचेगा, नहीं डॉग बार्क कर रहा होगा, और अगर डॉग बार्क कर रहा होगा तो कैट हाइड कर जाएगी, तो दिस इज वॉट ही इज थिंकिंग। लेकिन अगर मैं एक बंदा लगा दूं, मतलब एक बंदा लगा दूं कि जब ओनर बाहर है, ओके, और बारिश गिर रही है, और एक बंदा सिर्फ मैं वहां पे लगाया ये ऑब्जर्व करने के लिए कि जैसी बारिश होती है ये डॉग बार्क करता है या नहीं, और अगर डॉग बार्क करता है तो ये कैट छुपती है या नहीं, हाइड करती है या नहीं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वर लगा दिया घर के बाहर, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसने ऑब्जर्व क्या किया कि आउट ऑफ द 48 टाइम्स ओके, सिर्फ 9 बार वो कुत्ता भौंका है। मतलब इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि अगर 10 बार बारिश होती है तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वो जो कुत्ता है वो सिर्फ 6 बार भौंका। समझ में आया कि नहीं, 4 बार नहीं भौंका, सिर्फ 6 बार भौंका। उसी तरीके से जो बिल्ली थी, जैसे ही कुत्ता 10 बार भौंका उसमें से वो जो बिल्ली थी वो सिर्फ 5 बार छुपी और 5 बार नहीं छुपी। तो ये ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे रखी हुई है, देयर इज नो मेथड, देयर इज नो कैलकुलेशन कैरी इट आउट, दिस इज जस्ट अ सिंपली ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कि डेटा सेट से हमने यहाँ पे कैरी आउट ले लिया, यहाँ पे सिर्फ रखा है उसे, ठीक है। तो ये मेरे कुछ वैल्यूज आई है, कैसे रीड करोगे इन वैल्यूज को, एज इट रेन्स डॉग बार्क्स, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। समझ में आया कि नहीं, मतलब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, दैट मीन्स
द डॉग विल बार्क इफ इट रेन्स, डॉग विल बार्क इफ इट रेन्स, ओके, डॉग विल बार्क इफ इट डज नॉट रेन्स, कि डॉग जो है मेरा वो बार्क करेगा अगर वो रेन नहीं होता. सो दिस इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटीज इस तरीके से रखी हैं. इसको कैसे हम करेंगे कि जब मेरा बी ट्रू है, बी ट्रू मतलब इफ द डॉग बार्क्स इट इज ट्रू, एंड उसके साथ साथ मेरा जो आर भी ट्रू है मतलब रेन भी होता है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.19. कैसे, इन दोनों को डिवाइड कर दो यार, जस्ट सिंपली डिवाइड बोथ ऑफ देम, यू आर गोइंग टू गेट 0.19. उसी तरीके से बाकियों के लिए भी, अगर मेरा बी ट्रू है और आर एफ है मतलब वो भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरी रेन नहीं हुई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.375. उसी तरीके से अगर मेरा कुत्ता भौंकता नहीं है और जो मेरी रेन है वो आती है, समझ में आया कि नहीं. सो इट इज समवट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कुत्ते ने नहीं भौंका लेकिन रेन हुई, कुत्ते ने नहीं भौंका लेकिन रेन हुई है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.06, तो काफी कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है. एंड दोनों ही फॉल्स होंगे, मतलब ये वाला सेक्शन अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.375. तो इस तरीके से दोस्तों आपका डैग और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल काम करता है. अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, उसमें मैंने एक सॉल्व एग्जाम्पल के आपको के साथ समझाऊंगा किस तरीके से बायसिन बिलीफ नेटवर्क एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं विद एन सॉल्व एग्जाम्पल. लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो वो तीन मैजिकल चीजें करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर, और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.